तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रूमा एंड यू आर वाचिंग रूमा स्टोरी टाइम। अगेन मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाई हूँ और सेम ड्रेस पहनी हूँ मैं, क्योंकि एक ही दिन में सारी वीडियोस बनाई, आपको तो पता ही था। तो देखते हैं वीडियो कैसा है, स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस लास्ट वीडियो पे मेरा हील टूट गया था, तो रास्ते में बैठ के मैं ये कर रही हूँ, देखो कोई इस भिखारी को। तो अभी हम खाने के लिए आए हैं, भूख लगी थी बहुत, तो हमें कुछ खाना था, तो पेट पूजा करके फिर वीडियो शुरू करते हैं। गाइस बने रहिए मेरे साथ। तो हमारा खाना आ गया, दी और मैं खा रही हूँ। तो अभी हम जाएंगे वृंदावन गार्डन। तो गाइस अभी हम बस से वृंदावन गार्डन जाएंगे, हम बस में चढ़ चुके हैं, बहुत टायर्ड है हम दोनों। तो गाइस हम बस से उतर चुके हैं, ये देखो बस स्टॉप कितना ब्यूटीफुल है, बहुत खाली खाली सा है। फाइनली तो गाइस मैं अभी इयर रिंग्स उतर रही हूँ, अभी कानों में भी दर्द हो रही है, पैर की तो पूछो ही मत। अभी इयर रिंग्स भी उतारूंगी, हील्स भी उतर के मैं खाली पैर जाऊंगी। लोगों को बोलने तो क्या बोलते हैं। और कुछ बच्चों की खेलने की चीज़ और दिखा देते हो गाइस। गाइस यहाँ पे ब्रिज है और यहाँ पे बोट्स भी है, आप बोटिंग कर सकते हो। वाओ शॉर्टकट बने ना पूरे। गाइस देखो वाओ, वहाँ पे वाटरफॉल हो रही है। ये है वृंदावन गार्डन की अंदर की व्यू, बहुत बड़ा है, आप लोग अच्छे से देख पाओगे वाटरफॉल। वाटर ही वाटर है, वाह यहाँ पे वाटर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ वृंदावन गार्डन आके, प्लीज आप लोग भी आओ। ये देखो फुल ऑफ वाटर और बीच बीच में ऐसे फ्लावर, तो सोचो कितना मजा आएगा यहाँ पे आने में। सीरियसली गाइस अगर आप लोग मैसूर आके वृंदावन गार्डन विजिट नहीं किया तो आप लोग बहुत ज़्यादा गलत काम किए। प्लीज़ 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 आओ, एक्सप्लोर करो, बहुत मज़ेदार गार्डन है। हम इतने दूर आ ही गए तो हम कुछ फोटोज़ ले लेते हैं और वीडियोस बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, आप लोगों को पूरा दिखा देंगे। गाइस अभी मैं थोड़ी ऊपर जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर बाद में देखते हैं कैसा है ऊपर। गाइस ऊपर भी सेम ही है और सामने जाके और ऊपर जाना पड़ेगा लास्ट में एक। तो गाइस ऊपर भी सेम तरह से है, बीच में वाटर और दोनों साइड में फ्लावर्स, और ऊपर और एक स्टेप है, आप लोगों को बताया था, और दो स्टेप है, उसके बाद रॉयल ऑर्चिड नाम के पूरा बिल्डिंग है एक, आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी हम रॉयल ऑर्चिड जा रहे हैं। तो गाइस ऐसे ही देख रहे हो आप कितने अच्छे लग रहे हैं, बट इवनिंग टाइम पे यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पूरी जगह पे लाइट्स आते हैं और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि हम दोपहर में ही आ गए, जो अभी लाइटिंग नहीं है। ये देख के नहाने के मन कर रही है, मुझे नहाना बिल्कुल नहीं पसंद, बट ये पानी देख के मुझे नहाने का मन कर रहा है। गाइस ये देखो रॉयल ऑर्चिड के
पास आ रहे हैं हम। बस कुछ ही देर बाकी है, हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इट्स नॉट मंजिल। वाह, सो कूल मैन। वाह, फुल ऑफ नेचर। गाइस ये लास्ट स्टेप है, आप लोग देखो जहाँ से पानी गिर रहे है वहाँ उसके पीछे इंडिया का मैप है और मैप के अंदर गांधी जी का एक फोटो है। कितना अच्छा पेंटिंग करते हैं कुछ लोग यार। और फुल फ्लावर। हाँ हम पहुँच ही गए रॉयल ऑर्चिड पे। तो अभी हम सीधे रास्ते छोड़ के इस रास्ते से जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये फ्लावर दिखा सकूं। अंदर जाने देगा या नहीं वो नहीं पता, पर जाके देखते हैं और क्लोज से आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो बिल्डिंग बहुत ब्यूटीफुल है, ऊपर से नीचे का व्यू देखो, वाह क्या नजारा है गाइस। अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे। गाइस फाइनली हम आ गए बिल्डिंग के पास, बट यहाँ पे अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि बहुत सुनसान है, कोई दिख नहीं रहा। अगर अंदर जाने देते तो सब लोग जाते, तो फिर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ उसके बाद। क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन सी एनिमल लग रही है। और ये देखो एलिफेंट। कितना सब कुछ है, आप लोगों को कितना दिखाओ, देख देख के खत्म ही नहीं होगी। अगर पूरा दिखाने जाओ तो आज वीडियो खत्म ही नहीं कर पाऊंगी मैं गाइस, क्योंकि पता है मैं बिगिनिंग व्लॉगर हूँ, मेरे पास कैमरा भी नहीं है, मैं फोन से ही अपनी व्लॉग शूट करती हूँ और चार्ज भी नहीं है फोन पे। अभी क्या करूँ, फिर भी जितना चार्ज है उतने में जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। हाँ दीदी की फोन से भी ट्राई करूंगी दिखाने के लिए, अगर चार्ज खत्म हो जाए तो। गाइस आप लोग मेरे पीछे देख रही हो, वो दम है और दम के उस पार है नदी। नदी में जब पानी ज्यादा होते हैं तो वहां से पानी यहाँ पे स्टोर करने के लिए ये दम बनाया ताकि पूरे पानी इधर ना आ जाए। बहुत इसका हाइट कितना होगा यार, मैं सोच रही हूँ। माय गॉड, इवनिंग होने के लिए वेट कर रहे हैं हम लाइटिंग देखने के लिए। ये तब जो खरीदी थी हमने, क्यूट। तो गाइस अभी 7 बज चुके हैं, हम बहुत टायर्ड थे तो थोड़े अभी रेस्ट किया इतने देर, तो थोड़ी लेजी फील हो रही है क्योंकि सुबह आई पूरा दिन से लाइक व्लॉग बनाने में बिजी। तो अभी 7 बज चुके हैं, अभी लाइटिंग करेंगे तो फाइनली लाइटिंग हम देख पाएंगे और आप लोगों को दिखा पाएंगे। तो मेरे व्यूअर्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बोल दो और इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना। शेयर भी करना दोस्त, शेयर भी करना। गाइस उन लोगों ने लाइट ऑन कर दी है, अभी आप लोगों को दिखा दूंगी। 3, 2, 1 स्टैंड अप। लाइट वाला ही अच्छा।
गाइस दम के अपने साइड से दिखा चुके हैं, और दम के साइड पे देखो कितना कलरिंग लाइट है। मैं पागल हो चुकी हूँ खुशी के मारे। गाइस इवनिंग टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे, इसलिए अभी हम बॉइल कॉर्न खाएंगे मसाला वाला। तो गाइस अब हम बस स्टैंड पे उतर चुके हैं, मैसूर बस स्टैंड। अभी रिटर्न हम दीदी के फ्रेंड के रूम पे जाएंगे कल, जहाँ हमने फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा क्राउड है, सुनाई नहीं देगा कुछ, रूम पे जाके मिलते हैं आप लोगों। गाइस रूम पे पहुँच के मैंने वीडियोस नहीं बनाए, हमने रेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो दीदी ने खाना बनाया हमारे लिए, अभी डिनर करूँगी। अभी टाइम है 9:30, तो डिनर करके वीडियो को एंड करती हूँ। ये है डिनर, एग चिकन और राइस। लास्ट में सोचा कि ट्रेन स्टेशन पे ये दिखाई देती हूँ, यहाँ पे सब हम लोग फोटोज ले रही है। बहुत अच्छा मेमोरी से, बहुत अच्छा लगा मैसूर आके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस कल रात डिनर के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड थी तो सो गई, वीडियो को एंड नहीं किया। तो अभी हम आज सुबह सुबह उठ के ही बेंगलोर के लिए निकल पड़े, अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।